बेबीज के लिए बेड के ऊपर गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही थी। हम सब बहुत पैनिक कर गए थे कि हम क्या करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मर्सी फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली है। उसके छोटे छोटे बेबीज होने वाले हैं और इस टाइम का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था। फाइनली वो टाइम आ चुका है और आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं मर्सी की ब्यूटीफुल सी जर्नी और उसके छोटे छोटे बेबीज। दोस्तों अभी मर्सी 6 वीक्स प्रेग्नेंट है और कितनी अमेजिंग बात है कि मर्सी के टमी के हेयर्स अपने आप शेड हो रहे हैं ताकि वो बेबीज को फीड करा सके। पहले मर्सी के टमी एरिया में बहुत सारे हेयर थे लेकिन अभी वो नेचुरली शेड हो रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुका है उसका ये एरिया। देखिए अभी मैं हेयर निकाल कर देखूंगी और विदाउट एनी एफर्ट, बिल्कुल एफर्टलेसली उसके हेयर निकल रहे हैं जैसे कि किसी ने फेविकॉल से चिपका रखे हो। और ये नेचर की कितनी ब्यूटीफुल बात है कि एक डॉग अपने उस एरिया के हेयर अपने आप शेड कर रहा है जहाँ से उसके बच्चे फीड करेंगे। और सिर्फ इस एरिया के ही हेयर शेड हो रहे हैं, बाकी किसी एरिया के हेयर शेड नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी शेडिंग नहीं हो रही है। दोस्तों आप सबको लग रहा होगा कि मर्सी ऐसे लेट कर खाना क्यों खा रही है, वो इतनी लेजी क्यों है, लेकिन सच बताऊं तो वो लेजी नहीं, वो अभी पेन में है क्योंकि उसके लास्ट डेज चल रहे हैं डिलीवरी के और उसको उठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं जैसे तैसे करके उसे खाना खिला रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मर्सी बेबीज़ के लिए बेड के ऊपर गड्ढा खोदने की कोशिश कर रही है क्योंकि डॉग्स का ये नेचर होता है कि डिलीवरी से पहले वो अपने बेबीज़ के लिए एक सेफ़ और कोजी स्पेस बनाए ताकि वो आराम से डिलीवरी कर पाए। और मर्सी वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि मैं कहाँ अपना नया घर बनाऊँ अपने बेबीज़ के लिए। ऑल्दो उसे समझ नहीं आ रहा है इसलिए अभी वो बेड पर कोशिश कर रही है और देखिए किस तरह से पूरा बेड छान रही है वो। ये आपके सोने का न्यू तरीका है। मशू बाबू देखो तो सही। मशी पता नहीं क्या करती है। दोस्तों जिस टाइम का इंतज़ार था वो टाइम आ चुका है, मर्सी ने फाइनली अपने बेबीज डिलीवर कर दिए हैं। मैं इससे पहले की वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और मर्सी बहुत ज़्यादा पेन में थी, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। हम सब बहुत पैनिक कर गए थे कि हम क्या करें क्योंकि उसे पेन में बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली 3 बजे उसने बेबी डिलीवर किया है, उसके बाद उसके 2-3 बेबीज और हुए हैं और देखिए वो कैसे अपने बेबी को क्लीन कर रही है। कितने प्यार से एक डॉग अपने बेबी को क्लीन करता है आफ्टर गिविंग बर्थ। और यहाँ पर पापा बेबी को शहद चटा रहे हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसे चटाते हैं, और अब बेबी को फीड पे लगा रहे हैं। और मैं पहली बार मर्सी का ये नेचर देख रही हूँ क्योंकि मर्सी बहुत ज़्यादा शैतान डॉग है, बहुत ज़्यादा नटखट, बहुत ज़्यादा शैतान, लेकिन इतना सीरियस और इतना प्यारा बिहेवियर मैंने पहली बार देखा है। सच में एक मदर बनने के बाद चाहे वो डॉग हो चाहे वो इंसान हो उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अभी आप देख पा रहे होंगे। Thank you.
और यहाँ पापा भी क्लीन कर रहे हैं बेबीज को जितना हो सके। अभी मर्सी के 6 बेबीज हो चुके हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि और भी बेबीज होंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर इट। यहाँ पर 6 बेबीज अपनी मम्मी का दूध पी रहे हैं और मर्सी रेस्ट कर रही है। यहाँ पर हमने बेबीज के लिए एक पेटी में आराम से न्यूज़पेपर वगैरह लगाकर जगह बना दी है और अब पापा बेबीज की एम्बिकल कॉर्ड जो कट हुई थी उस जगह के ऊपर दवाई लगा रहे हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। ये दवाई का नाम है, अगर आपका भी डॉग डिलीवर करता है बेबीज को तो आप ये दवाई जरूर लगाएं इन्फेक्शन से बचने के लिए। मर्सी क्या हो गया, आप किस सोच में हो बताओ। मर्सी क्या हुआ बेबी, क्या हुआ रो रहे हो क्या आप बच्चू। मर्सी अपने बेबीज को फीड कराने के लिए उसी पेटी में आकर बैठ गई है जिसमें बेबीज थे। दोस्तों ये मर्सी के 2 क्यूट बेबीज, एक का नाम हमने रखा है पांडा और एक का मैरी। पांडा मर्सी का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है और मैरी बिल्कुल मर्सी डिट्टो मर्सी की तरह है, इसलिए हमारे लिए ये दोनों बेबीज बहुत स्पेशल है। और यहाँ 2-2 मिनट बाद बेबीज को दूध चाहिए, थोड़ी देर वो दूध पीते हैं, उसके बाद सुसु पॉटी करते हैं और फिर दोबारा से दूध पीते हैं। मर्सी सच में बच्चों को दूध पिलाते पिलाते परेशान हो गई है। हमने 2 पेटियों में बच्चों को रखा हुआ है, एक में बॉयज और एक में गर्ल्स। कभी अभी चिकन खाए हैं और ऐसे पड़े हैं। दोस्तों मर्सी ने टोटल 9 बेबीज को बर्थ दिया है जिसमें से कि 5 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज हैं। ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे बच्चों की आपको ब्यूटीफुल सी जर्नी देखनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। हम इस तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।